हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल सैनी साहब यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम जानते हैं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 का फॉर्म किस प्रकार अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम गूगल क्रोम पे सर्च कर रिजल्ट सर्च किया और जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन या लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो हम क्योंकि एसएससी ने नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है तो इसलिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि पहले के जो रजिस्ट्रेशन है उन्हें हटा दिए गए और नया पोर्टल लागू करके नए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये डिटेल्स शो होगी। यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स डालकर एसएससी का नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो हमने पहले से कर लिया है और उसका वीडियो भी हमने पहले से बना दिया है और वह उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था। यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे जो हमने बनाए हैं और यहाँ पे हम कैप्चा फिल करेंगे। जैसे हमने कैप्चा फिल किया लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपना पेज लॉगिन हो गया और यहाँ पर अपनी डिटेल्स शो होगी। तो हम जस्ट नीचे आएंगे, जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट एग्जामिनेशंस यहाँ पे एक पोस्ट से होगी, इस पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे फिल फॉर्म पे क्लिक किया अपना फॉर्म ओपन हो गया। अब हम यहाँ से अपने फॉर्म को फिल करेंगे, जो डिटेल्स रजिस्ट्रेशन में हमने डाली है वह सभी डिटेल्स ऐसे के ऐसे शो होगी। यहाँ पे हमें कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें डिटेल्स चेक कर लेनी है हमारे रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की गलती तो नहीं है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन होगा, सक्सेस हमारा डेटा सेव हो गया और नया पेज ओपन हुआ। जस्ट हम ऊपर आएंगे और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन स्टेटस, इसे हम नो करेंगे। अगर एक्स सर्विसमैन है तो हम इसे यस करेंगे। तो हमने नो किया और सेव एंड कंटिन्यू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स डालेंगे। तो यहाँ पे किस जोन से हमने फॉर्म भरेंगे तो उस जोन का हमारा क्षेत्र किस एरिया के अंदर आता है, तो हमारा क्षेत्र आता है नॉर्थन रीजन के अंदर आता है। तो हम NR का चयन करेंगे और यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे पोस्ट का चयन करेंगे। हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उस पोस्ट का चयन कर लेंगे पोस्ट के हिसाब से और जस्ट नीचे आएंगे। इसे ये ऑटोमेटिक शो होगा। जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन जो हमने रजिस्ट्रेशन में शो की थी, यहाँ पे हाई क्वालिफिकेशन डालनी है हमें जो भी है। तो हम हाई क्वालिफिकेशन डाला, जस्ट नीचे आएंगे, इस चेकबॉक्स का हम चयन करेंगे। जैसे इस चेकबॉक्स को यस करेंगे और यहाँ पे इसको भी हम यस कर देंगे क्वालिफिकेशन द पोस्ट को और यहाँ पे हम नॉट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम नॉट अप्लाई करेंगे एक्सपीरियंस को, अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे नॉट अप्लाई रहेगा एक्सपीरियंस। और जस्ट नीचे आएंगे, हम यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स का चयन करेंगे। तो हमने जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है तो हमने जयपुर चुना है। जैसे जस्ट नीचे आएंगे हम दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर चुनेंगे और तीसरा एग्जामिनेशन सेंटर चुनेंगे। जैसे हमने तीन एग्जामिनेशन सेंटर चुनेंगे और जस्ट नीचे आएंगे, ये जो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं उन्हें छोड़ देना है और जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे हम इसे नो करेंगे और नो करने के बाद जस्ट नीचे आएंगे और एज रिलेशन अर्थात हमें एज में छूट लेनी है तो यस करेंगे, अदरवाइज हम नो कर देंगे। तो हम सेवन डे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा सेव हो गया और हम
नेक्स्ट पेज पे आ गए, तो जस्ट हम ऊपर आएंगे और यहाँ पे हमारा फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो अब QR SSC ने लाइव फ़ोटो अपलोड करने का प्रोसेस डाला है और QR कोड को हम स्कैन करके MySSC ऐप डाउनलोड करके हम अपनी फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। और जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ से हम बैक आएंगे और वापस सेवेंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अपनी फ़ोटो ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। तो जैसे ही हमने किया तो अपनी फ़ोटो ऑटोमेटिक शो हो गई, जैसे हमने फ़ोटो अपलोड कर लिया। और हम अपने लैपटॉप से फ़ोटो को लाइव भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे अब हम अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जैसे हम अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक किया और यहाँ पे सिग्नेचर चूज़ करके हम अपलोड करेंगे। जैसे हमारा सिग्नेचर अपलोड हो गया और हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो एक हमारा डेटा सेव हो गया और नए पेज भी आ गई। जैसे हम नए पेज भी आई, अब हम यहाँ से अपनी सभी डिटेल्स चेक कर लेंगे। जो भी हमने डिटेल्स फिल की है वो सभी डिटेल्स ठीक है या नहीं तो हम सभी डिटेल्स चेक कर लेंगे एक बार। जैसे हमने डिटेल्स चेक की तो हम जस्ट नीचे आएंगे और जस्ट नीचे आएंगे तो हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर से होगा और जस्ट नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया एक नया पेज ओपन हुआ और यहाँ से हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे हम जो ऊपर कैप्चा दिया हुआ है वह कैप्चा फिल करेंगे। जैसे हमने कैप्चा फिल किया और हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया फॉर्म अपडेट हो गया है और अब हम यहाँ से पेमेंट काट के अपने फॉर्म को सक्सेसफुल करेंगे। अगर STSC है तो पेमेंट नहीं कटेगा। तो जैसे हमने पेमेंट काटा और यहाँ पे जस्ट माय होम पे आएंगे और यहाँ से हम एप्लीकेशन का प्रिंट एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके और हम यहाँ से अपने एप्लीकेशन का प्रिंट दे सकते हैं। तो हेलो गाइस, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं।